फ्रेंड्स, ये है आपके सामने AKT का 958 ए स्क्रीन सेपरेटर। और इसके कुछ ख़ास बातें जो मैं अभी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, वो अभी आपको दिखाता हूं कि क्या क्या इसमें खास है जो मैंने इसे अपने लिए ऑर्डर किया है। सबसे पहले तो ये है सिलिकॉन का इसका मैट है। इसको हमें इस प्रकार से यहाँ पर जो इसके अंदर होल दिए गए हैं इन पर सेट करके रखना है। और इसके ऊपर अगर हम कुछ भी लगाएंगे, ग्लास हो गया, स्क्रीन हो गया, जो हमें यहाँ पर अलग करना है, तो आसानी से इसका अच्छी पकड़ करेगा। इसका जो वैक्यूम पंप है वो काफ़ी बड़ा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर लगा हुआ है नीचे की तरफ, और ये वारंटी में आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू से कलर का ये जो इसका वो है वैक्यूम पंप, इसके अंदर वो लगा हुआ है। ये आप थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर गोलाई देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा है। तो ये चीज़ें तो इसके अंदर चाहिए। एक्चुअली आपको इसे ऑन करके दिखाता हूँ। इसकी पावर केबल है, इसको मैं यहाँ पर पीछे की तरफ लगा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार से, देखिए यहाँ पर लगाने के बाद में जैसा आप देख सकते हैं दो बटन दिए गए हैं। एक आपका हीटिंग स्विच है, दूसरा आपका सक्शन स्विच जो वैक्यूम के लिए है। तो इसमें आप दोनों काम अलग अलग कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आप चलाएंगे तो आपका ये हीटर है जो ये है हमारी, ये गर्म होनी स्टार्ट हो जाती है। और टेम्परेचर इसका देखिए 200 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ तक जाता है। बाकी कईयों में ये सिर्फ 120 डिग्री तक रहता है। कई सेपरेटर हैं एम ट्रायंगल का है, वो भी 120 तक ही जाता है, जो मेरे पास पहले है। तो इसमें जो अच्छी बात है कि यहाँ पर देखिए, इसको अगर मैं बंद कर दूँ और यहाँ पर से अगर मैं वैक्यूम चलाना चाहूँ तो इसकी आसानी से आप चला सकते हैं। दोनों चीज़ें चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए वैक्यूम मैंने चला दिया है अभी इसका, और देखिए बिना ऑन किए भी वैक्यूम का काम हम कर सकते हैं। साथ ही इसमें एक और बात है जो खास है, यहाँ पर आप देखेंगे ये यहाँ पर एक एलिमेंट इस तरफ लगा हुआ है इसके नीचे, और इस तरफ से आप देखेंगे तो एक एलिमेंट यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर इस प्रकार से आपको अगर दिखाई देगा तो आप इसके अंदर दो एलिमेंट है वो देख सकते हैं। बीच में वैक्यूम पम्प है और दोनों तरफ इसके एलिमेंट लगे हुए हैं। तो ये जो है इस तरफ से यहाँ पर से और यहाँ से दोनों तरफ से इकट्ठा हीट होता है काफ़ी अच्छे तरीके से और फास्ट। इसको आप ऑन करते ही जल्दी ही हीट कर सकते हैं, और इसकी वैक्यूम की जो पकड़ है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो फ्रेंड्स, डबल इसके अंदर एलिमेंट दिया हुआ है हीटिंग के लिए। और यहाँ पर से आपको देखिए, अगर इसे सेट करना तो यहाँ पर ही आपको तीन बटन दिए मिल रहे हैं, यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं। ये देखिए डिग्री सेल्सियस, ये फारेनहाइट और ये सेल्सियस, ये दो ऑप्शन भी हैं। और यहाँ से देखते हैं अभी क्या है, तो यहाँ से देखिए इसको आप घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। ये माइनस चला गया है, तो देखिए इसमें कुछ फंक्शन चाहिए, ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर 4-5 ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग फंक्शन हैं। यहाँ पर से अगर हमें इसे बढ़ाना है 57 है अभी, 59, ये 200 डिग्री तक जाएगा। और यहाँ पर एक में यहाँ पर इसके अलग अलग फंक्शन, यहाँ पर साइड टेम्परेचर के लिए जैसे सेल्सियस हो गया, यहाँ पर सेल्सियस है, इसको आप फारेनहाइट भी कर सकते हैं। ये देखिए अलग अलग मोड दिए गए हैं इसके अंदर, यहाँ पर 4 नंबर भी कुछ है, 5, इनकी जानकारी मैं आपको दे दूँगा। और यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं टेम्परेचर अगर बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर 120 ही कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वहीं पर मेरा जो काम है ऑपरेट होता है। ज़्यादा की भी ज़रूरत नहीं है, अगर ज़्यादा करना चाहते इसमें वो भी ऑप्शन है कि आप इसको 100
20 डिग्री के अलावा 200 डिग्री तक ले जा सकते हैं कहीं पर भी। तो ये यहाँ पर मैंने 120 डिग्री पे इसे देखिए सेट कर दिया, तो अभी 120 डिग्री पे चला जाएगा। और देखिए अभी काफ़ी गर्म हो गया है, जैसे मैंने हाथ लगाया अभी 97 ही हुआ है। तो डबल एलिमेंट का काफ़ी फ़ायदा है, ये काफ़ी जल्दी हीट हो गया है, इतना हीट हो गया है आप इसके ऊपर हाथ नहीं रख सकते हैं अभी। तो इस प्रकार से जो है हमारा सेपरेटर ये काम करता है, और इसका जो सेल्सियस है ये भी मुझे लग रहा है कि कम करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हीट है, डबल एलिमेंट है इसके अंदर। तो यहाँ पर मैं तो इसे सिर्फ सो ही रख रहा हूँ क्योंकि डबल एलिमेंट का काम है, जल्दी हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ से आप इसको वैक्यूम ऑन कर सकते हैं, इसको बंद करके फिर भी आप इसके अंदर वैक्यूम ऑन कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर के अंदर इसकी सप्लाई दी गई है, बड़ा वाला वैक्यूम पंप है जो आप इसमें आवाज़ से सुन सकते हैं। तो ये जो सेपरेटर है कुछ इस प्रकार का है, दोनों तरफ से आप इसे देख सकते हैं कि कैसा होता है। यहाँ पर ये आपकी है रोल होती है दोनों तरफ से, इसके अंदर यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे तो ये जो आवाज़ आ रही है ये भी आनी बंद हो जाएगी। तो ये सेपरेटर है 180 तरफ से आने वाला 958A स्क्रीन सेपरेटर, और स्पेशल एंड मंगाया है दोनों काम अलग अलग करने के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। और ये प्रोडक्ट अगर आपको ख़रीदना है तो AKT इन्फो की ऐप से आप इसे खरीद सकते हैं। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।